हेलो दोस्तों, इग्नू गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू एडमिशन के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको पता ही नहीं रहता कैसे क्या करना है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं या मेल करके बताते हैं कि उनका 6 मंथ या 1 ईयर हो गया है एडमिशन के बाद, लेकिन वो लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाए हैं पढ़ाई। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सभी स्टूडेंट ये वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो में इग्नू एडमिशन से लेके रिजल्ट तक जो रोड मैप है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा इग्नू में एडमिशन के बाद आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है, आपने एडमिशन के लिए रजिस्टर किए एंड आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ या नहीं, तो इग्नू आपके रजिस्टर मेल आईडी और फोन नंबर पे कंफर्मेशन मैसेज सेंड करते हैं। एडमिशन कंफर्म होने में जनरली 7 से 14 वर्किंग डेज लगता है। एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो उसके बाद आपको आपका आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले लिंक पे आ जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और फिर आपको आपके एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड देके और ये कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका पासवर्ड क्या है या आप भूल गए हो, तो आपको क्या करना है, रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करना। जैसे ही आप रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे या आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी से आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सर्विसेज दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद आप देख सकते हो इधर लिखा है आईडी कार्ड डाउनलोड प्रोग्राम आईडी कार्ड, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इधर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड आईडी कार्ड, इस पे क्लिक करना। आपको डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड बोलेगा, तो आपका पासवर्ड क्या है, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वही आपका पासवर्ड है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपका आई कार्ड इधर ओपन हो जाएगा, इधर से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। फिर आप आपके आई कार्ड को लेमिनेशन करा के रख सकते हो आपके पास। नेक्स्ट क्या आता है, आपका एबीसी अकाउंट। तो एबीसी अकाउंट अभी तक मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में भी एबीसी अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आगे ये मैंडेटरी हो सकता है। मैं दिखा देती हूँ एबीसी अकाउंट में आपको कैसे लॉगिन करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करोगे पहले आपके पास ये देखिए आ जाएगा, क्रिएट लिंक योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस पे आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा क्लिक हियर टू लिंक क्रिएट योर एबीसी अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आपका जो डीसी अकाउंट है उसमें साइन अप कर सकते हो, या आपके पास पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट है तो आप उधर से लॉग इन कर सकते हो। अगर कोई रीजन के कारण आप एबीसी अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले तब आप लॉग इन कर लेना। तो इसके बाद आपको देखना है कि आप बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हो या आपका ऑनलाइन क्लास जो है वो आप कैसे अटेंड करो। पहले बुक्स कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद हम क्लास पे आते हैं। तो बुक डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट में आ जाना है। आप इधर से आपका जो बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बुक कैसे डाउनलोड करोगे उसके बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो बना के रखी है। उसका 2 पार्ट है, एक है आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करोगे और दूसरा है आप प्रिंटेड मटेरियल आपको नहीं मिले तो आपको क्या करना है, कैसे जल्दी मिलेगा। तो ये 2 वीडियो आप जरूर देखें। ये 2 वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो लोग ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट्स हो उनको जो है ऑनलाइन बुक डाउनलोड करके ही स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि क्लास कैसे ज्वाइन करें। इग्नू का जो क्लास होता है मेनली सैटरडे संडे करके होता है, और आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो इग्नू एक मेल सेंड करता है जहाँ पे ऑनलाइन क्लास रहता है, उस पर क्लिक करके आप गूगल मीट के थ्रू क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास अटेंड करना मैंडेटरी नहीं है, हाँ लेकिन एक बात आप याद रखो, अगर आपके सब्जेक्ट में कोई प्रैक्टिकल है तो आप ऑनलाइन क्लास जरूर अटेंड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 100% अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। जिन लोगों के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है वो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप ज्वाइन करोगे तो एक ओवरऑल आइडिया आपको हो जाएगा। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन क्लास के भरोसे मत रहो। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपके कोर्स रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे और उससे आपके स्टडी में बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है असाइनमेंट। ओडीएल स्टूडेंट के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट जमा करना पड़ता है उनके स्टडी सेंटर में जाकर। असाइनमेंट के क्वेश्चन के लिए आपको इस वाले लिंक पे आ जाना है, webservices.ignu.ac.in/assignment, और इधर से आप आपका जो प्रोग्राम है वो कर लेना। चूज करने के बाद आपको देखना है आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हो, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इधर से आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। असाइनमेंट रिलेटेड डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। उधर से आपको असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है, असाइनमेंट कहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, कैसे आपको आपको असाइनमेंट बनाना है, क्या नहीं करना है, सारे डिटेल्स में मैंने डाल के रखी है, आप जरूर वो वीडियो चेक करना। और इन जनरली एग्जाम का रिजल्ट आउट होने के बाद असाइनमेंट का जो नंबर है वो भी अपडेट हो जाता है गेट कार्ड।
असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपका टेस्ट नहीं आता है, आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। और अगर आपके प्रोग्राम जो है वो सर्टिफिकेट बेस्ड नहीं है, मतलब 6 महीने का प्रोग्राम नहीं है या 1 ईयर का प्रोग्राम नहीं है, तो आपको रीरजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इधर मैं एक बात बोल देती हूँ कि जिनका सब्जेक्ट 6 मंथ सेमेस्टर बेस्ड है उनको साल में 2 बार ये जो फॉर्म फिलअप है एग्जाम का फॉर्म फिलअप और रीरजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और 2 बार असाइनमेंट भी जमा करना पड़ता है। मतलब कोई स्टूडेंट अगर जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है और उनका प्रोग्राम जो है वो 6 मंथ सेमेस्टर बेस्ड है, तो उनको दिसंबर 23 का असाइनमेंट भी जमा करना पड़ेगा और दिसंबर 23 एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप भी करना पड़ेगा और री रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। मतलब 6 मंथ सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए ये असाइनमेंट, एग्जाम फॉर्म फिलअप और री रजिस्ट्रेशन जो है ये साल में 2-2 बार करना पड़ता है। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना जो लोग 6 मंथ सेमेस्टर बेस्ड है। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, जिन लोगों का 1 ईयर बेस्ड प्रोग्राम है उनको असाइनमेंट जो है वो साल में 1 बार जमा करना पड़ता है और एग्जाम फॉर्म फिलअप और रजिस्ट्रेशन भी 1 बार ही होता है, तो उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। एग्जाम फॉर्म फिलअप और रजिस्ट्रेशन लगभग सेम टाइम में ही होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन करना और एग्जाम फॉर्म फिलअप करना। जितना जल्दी हो सके आप कर लेना एग्जाम फॉर्म फिलअप। आपको अगर आपका एडमिशन या रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना है तो आपको इस वाले लिंक में आ जाना है, सारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस लिंक पे आने के बाद आपको इधर आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो डाल देना है और आपका प्रोग्राम कोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना। प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेने के बाद इधर आपको जो वेरिफिकेशन कोड है ये आपको डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास सारी जानकारी आ जाएगा, इधर आप देख सकते हो। इधर आपको ग्रेड कार्ड का लिंक भी दिया है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका ग्रेड का स्टेटस जो है वो ओपन हो जाएगा और ग्रेड कार्ड से ही आपको आपका असाइनमेंट का नंबर और आपका रिटन एग्जाम का जो नंबर है वो आपको दिख जाएगा, या जिन्होंने प्रैक्टिकल दिया है उनका प्रैक्टिकल नंबर भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है एग्जाम। ओडीएल मोड स्टूडेंट जो है वो जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तब आप आपकी जो पसंदीदा एग्जाम सेंटर है वो चूज कर सकते हो। 90% चांसेस है कि आपको वही एग्जाम सेंटर मिले। एग्जाम खत्म होने के बाद जो होता है वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है। एग्जाम खत्म होने के 3 से 4 महीने के अंदर ही मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो आ जाता है, और अगर रिजल्ट में सारे कोर्स में आप पास किए गए हो तो फिर से ये सर्कल जो है ये स्टार्ट हो जाता है। मतलब फिर से आपको बुक डाउनलोड करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर आपका असाइनमेंट लिखना पड़ता है, फिर आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और फिर आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपका रिजल्ट होता है। अगर मान लीजिए कि आपने 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो या कोई कारण आपने एग्जाम ना दे पाए हो, तो क्या करना है आपको, नेक्स्ट जो एग्जाम फॉर्म आएगा उसमें जिन सब्जेक्ट को आपने क्लियर नहीं कर पाया है उसमें फिर से आपको क्या करना है, एग्जाम फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। ये आपका असाइनमेंट कोई कारण अगर नहीं जमा कर पाए हो या कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट असाइनमेंट जमा करने के जो टाइम आता है उसमें आप असाइनमेंट जमा कर देना। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा गाइड कर दिया है इन स्टेप को आप फॉलो करना। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करते टाइम आप अपने प्रोग्राम नेम और आपका जो सेशन है वो जरूर मेंशन कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।